नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने इस YouTube चैनल रेलवे ज्ञान में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे जयपुर मंडल में उत्तर पश्चिम रेलवे LDC 20% कोटा के तहत JEE PVA का एग्ज़ाम पेपर जो कि दिनांक 5 नवंबर 2022 को हुई थी, टाइम 2 घंटा, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटे जाएंगे। टोटल 110 प्रश्नों में से 100 प्रश्न ही हल करना है, जिसमें 10 क्वेश्चन राजभाषा हिंदी भी रहेगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। 1 से 10 क्वेश्चन राजभाषा है। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी मुख्य क्षेत्रीय भाषा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंग्रेजी। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, डोगरी भाषा भारत के किस राज्य क्षेत्र में बोली जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू और कश्मीर प्रांत। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश तेलुगु। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन राजकीय भाषाओं के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जब तक राष्ट्रपति कोई अन्यथा व्यवस्था ना दे उच्चतम न्यायालय के कार्य अंग्रेजी में होंगे। बाकी ये सब सही है, लेकिन ये बी जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पांचवा नंबर, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अनुच्छेद 351, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छः नंबर, निम्न में से किसे यह अधिकार है कि वह हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सके? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यपाल ऐसा कर सकता है लेकिन उसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होगी। सातवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कोई जनहित याचिका लगानी हो तो याचिका किस भाषा में लिखी जानी है चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल अंग्रेजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आठवां नंबर, भारतीय संविधान में राजभाषाएं किस अनुसूची में वर्णित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 8वीं अनुसूची। नौवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 22। दसवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 11 नंबर, तकनीकी प्रश्न जो कि PVA डिपार्टमेंट से है। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, PQRS में काम करने पर सहायक ऑक्सिलरी ट्रैक को गैस पर रखा जाना चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 3400 mm। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मैनुअल डीप स्क्रीनिंग के लिए उपयोग की जाने वाली छलनी का आकार mm में है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 25 mm। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इलास्टिक क्लिप के लिए टो लोड के माप के लिए सैंपल साइज। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हर 100 स्लीपर पर अनियमित रूप से ERC का 1%। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ब्रॉड गेज पर गिट्टी की आपूर्ति के लिए अधिकतम परमिटेड एग्रीगेट घर्षण वैल्यू। दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में मैंने पहले भी प्रीवियस एग्जाम पेपर में बताया था कि एग्रीगेट एब्रिवेशन वैल्यू रहेगा तो 30% मैक्सिमम, और वहीं इम्पैक्ट एब्रिवेशन वैल्यू रहेगा तो उसमें 20% होता है, यानी ऑप्शन सी 30% हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कटिंग और उच्च बैंकों में ट्रॉली रिफ्यूज कितना मीटर अंतराल पर प्रदान किया जाता है? तो इसमें चेंजेज हुए हैं दोस्तों, इसमें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 200 मीटर के अंतराल पर प्रदान किया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ब्रॉड गेज टर्न आउट और लेवल क्रॉसिंग में चेक रेल क्लियरेंस। तो ब्रॉड गेज टर्न आउट का जो चेक रेल होता है क्रमशः 44 से 48 mm और लेवल
क्रॉसिंग का जो चेक रेल क्लियरेंस होता है 5157 में। ऑप्शन ए सही है। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 22.1 एक्सल लोड वैगनों को चलाने के लिए सभी इंडियन रेलवे मार्गों के लिए स्लीपर का घनत्व कितना नंबर प्रति किलोमीटर को बनाए रखा जाना चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1660। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर। अधिकतम कैंट जो ब्रॉडगेज ट्रैक पर प्रदान किया जाता है किया जा सकता है वह होना चाहिए? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 165 mm। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गर्डर ब्रिज के ऊपर LWR पास करते समय रेल स्लीपर फिटिंग खाली स्थान होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रेल मुक्त प्रकार। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 300 mm बैलास्ट कुशन के साथ कंक्रीट स्लीपर ट्रैक पर गिट्टी ऑब्लिक मीटर की मात्रा सीधे ट्रैक पर क्यूबिक मीटर में? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2.158 CUM। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21। LWR के हेल्थ बिहेवियर का पता करने के लिए सबसे संभव पैरामीटर होगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी LWR के केंद्र में नियत पद पर क्रीप। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर देखेंगे। 52 kg रेल का डिस्ट्रेसिंग तापमान है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी TM2 TM+5। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। AC ट्रैक्शन क्षेत्र में एक ROB के नीचे की न्यूनतम ऊंचाई रेल स्तर से क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5870 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 देखेंगे। LWR बिछाने के लिए अनुमत अधिकतम वक्रता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 4 डिग्री कर्व। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मशीन से गिट्टी के मामले में 40 mm वर्ग जाल चलने पर प्रतिशत अवधारणा की अनुमत सीमा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 40 से 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर देखेंगे। PWI प्रभारी और उनके सहायक APWI द्वारा रनिंग लाइन के लिए पॉइंट एंड क्रॉसिंग के निरीक्षण की आवृत्ति एक बार रोटेशन में है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 महीने में एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर। वास्तविक कैंट, कैंट की कमी और कैंट की अधिकता के लिए अधिकतम स्वीकार्य वैल्यू क्रमशः कितना है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 140 65 65 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 देखेंगे। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के लिए अनुमत स्टेशन से स्टेशन पर साइन भिन्नता कितना mm है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 15 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर देखेंगे। 5 डिग्री कर्व की त्रिज्या मीटर में है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 350 मीटर। 1750 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 350 मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर देखेंगे। असुरक्षित स्थानों की एक सूची को प्रत्येक किसके द्वारा एक रजिस्टर फॉर्म बनाए रखा जाना चाहिए और अपडेट किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए AEN। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। ब्रॉडगेज में रेल स्तर से व्हील फ्लेंज के लिए स्थान की न्यूनतम गहराई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 38 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर देखेंगे। ब्रॉडगेज के लिए यात्री प्लेटफॉर्म कोपिंग के लिए ट्रैक के केंद्र से अधिकतम और न्यूनतम 36 दूरी क्रमशः? तो दोस्तों कोपिंग हो गया तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मैक्सिमम 1680 एंड मिनिमम 1670 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 33। कैंट ग्रेडियंट खाली स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वास्तविक कैंट या कैंट की कमी। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। स्टेशन यार्ड के अधिकतम ग्रेडियंट की सीमा क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 in 400। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 60 किलो रेल के लिए वर्टिकल वियर की सीमा क्या है? तो 13 mm। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 देखेंगे। फॉर्मेशन क्रॉस ढलान 1 in 30 होगा? नहीं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। ब्रॉडगेज पटरियों पर न्यूनतम दूरी क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 42 65 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 38। ब्रॉडगेज में नई लाइनों के लिए अनुशंसित यार्ड ढाल? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 in 1200।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 39। गेज को रेल टेबल के नीचे कितना एमएम मापा जाता है, तो 13 एमएम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर। टेंसर द्वारा डिस्ट्रेसिंग करने के लिए कब सहारा लेना पड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, प्रचलित तापमान टीडी से कम। 41। एसीजे आर इंस्पेक्टेड बाय द पीडब्ल्यूआई एपीडब्ल्यूआई वंस, यानी पीडब्ल्यूआई एपीडब्ल्यूआई द्वारा एसीजे का निरीक्षण, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हर 15 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 42। विंग रेल या क्रॉसिंग की नोच पर मैक्सिमम परमिसिबल वर्टिकल घिसाव, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 10 एमएम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 43। एसीजे को ट्रांजिशन वक्र पर रखा जा सकता है जिसमें डिग्री खाली स्थान से अधिक नहीं होती, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एसीजे ट्रांजिशन पर स्थित नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 देखेंगे। ब्रॉड गेज पर स्विच का अनुशंसित रो, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 115 एमएम प्लस माइनस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। टर्नआउट की लीड वक्रता मापने के लिए कार्ड की लंबाई, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 46। 1 in 8.5 करो स्विच में पर अधिकतम परमिसिबल गति कितना किलोमीटर प्रति घंटा है, और 1 in 12 पर करो स्विच में अधिकतम परमिसिबल गति कितना किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों 8.5 में एक होता है 15 किलोमीटर और 12 में एक होता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15 and 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 47। बीजी रूट्स ए मार्गों में पीडब्ल्यूआई द्वारा एक वक्र के निरीक्षण की आवृत्ति खाली स्थान में एक बार है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6 महीने में एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 48। फ्लैट टायर की गति से अधिकतम नुकसान होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 49। IRCA नियमों के अनुसार पहिया निकला हुआ किनारा मोटाई के लिए अस्वीकृत सीमा है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 16 एमएम। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। स्क्रू लेवल क्रॉसिंग में क्रॉसिंग का कोण कितना डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 45 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर देखेंगे। उन उपकरणों का नाम बताइए जिनका उपयोग निकटवर्ती ट्रैक पर पटरी से उतरे ट्रैक पर आने वाले ट्रेन के चालक को चेतावनी देने के लिए प्रभावी ढंग से किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी डेटोनेटर। 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। CWR LWR को ब्रॉड गेज और MG ट्रैक दोनों के लिए कितना मीटर रेडियस से शार्पर में नहीं रखा जाएगा, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 440 मीटर। 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ब्रॉड गेज में चेक रेल को सामान्य रूप से प्रदान किया जाना चाहिए जहाँ रेडियस 218 मीटर है या कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 54 नंबर। ट्रैक के केंद्र से मापा गया और किसी भी टेलीग्राफ पोस्ट के न्यूनतम दूरी पोस्ट की ऊंचाई को छोड़कर निकटतम ट्रैक पर ब्रॉड गेज के लिए खाली स्थान एमएम है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 21-35 एमएम। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर देखेंगे। एटी वेल्डिंग में भाग के प्रज्वलन के बाद कितना सेकेंड के पास बहुत दोहन समय का पालन करने का प्रयास किया जाना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20 सेकेंड के पास। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।